हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक्चुअली मुझे एक कमेंट में एक सवाल आया था, एक सिस्टर ने पूछा था कि क्या अपीयरिंग वाले एमएड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर देंगे तो फीस क्या है, और उनके बारे में कुछ उन्होंने सवाल पूछा था। तो आइए पहले देखते हैं कि सिस्टर ने पूछा क्या था। बाकी अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है एडमिशन से संबंधित, अवध विश्वविद्यालय से संबंधित, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं अपनी सोच और समझ और अनुभव के आधार पर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने कहा क्या। तो ये है अंशिका वर्मा जी, सिस्टर का सवाल है कि सर एमएड इंट्रेंस 2023 का फॉर्म कब फील होगा। पहला सवाल तो ये है कि कब फील होगा। दूसरा कि अवध यूनिवर्सिटी में सर क्या अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, मतलब कि सर जो एमएड में सर मेरा बीएड सेकेंड ईयर है तो फॉर्म भर सकते हैं, अभी पेपर नहीं हुआ। बीएड स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि बीएड है सेकेंड ईयर। सर अवध यूनिवर्सिटी में फ़ीस कितना लगता है एमएड में, प्लीज़ सर बताइए अवध यूनिवर्सिटी के एमएड में फ़ीस कितना लगता है। ये इनका सवाल था, सिस्टर का सवाल है। तो चलिए इनको रिप्लाई करते हैं। पहला सवाल तो आपका ये है कि क्या एमएड अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ, अवध यूनिवर्सिटी में एमएड एग्ज़ाम्स के लिए जो इस बार बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ना, जो बच्चे इस बार बीएड सेकेंड ईयर में हैं, वो सबसे खास हैं। यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको छोड़ के यूनिवर्सिटी कभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करा सकती। आप उनके सबसे खास स्टूडेंट हैं। यूँ समझ लीजिए कि एमएड का जो एडमिशन होगा वो आपके लिए ही होगा। तो जो इस बार बच्चे एमएड बीएड सेकेंड ईयर में हैं, उनको छोड़ के यूनिवर्सिटी कभी भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा हो और यूनिवर्सिटी ने एमएड का एडमिशन क्लोज़ कर दिया, कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल 100% आप अपीयरिंग में, जो लोग इस बार बीएड सेकेंड ईयर में हैं, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी भी सूरत में आपको छोड़कर एडमिशन क्लोज नहीं कर सकती, एमएड का बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसी विश्वविद्यालय के हैं। आप वहाँ से बीएड करने के बाद कहाँ जाएँगे, एक साल क्यों अपना बर्बाद करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको छोड़ के यूनिवर्सिटी कभी भी एमएड का एग्ज़ाम क्लोज़ नहीं करा सकती, एमएड का एडमिशन क्लोज़ नहीं कर सकती, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि एडमिशन कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा। तो देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके एमएड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। तो जब तक आपका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक एमएड का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपका कन्फर्म है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो आप इसका फॉर्म अप्रॉक्स जो होता है, देखिए जब नया सेशन शुरू होता है, केवल एमएड का नहीं, जैसे एलएलएम हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो भी मास्टर्ड एमएड की अगर हम बात करें, ये हो गई, या फिर एमएससी की हम बात करें, तो जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज हैं ना, उन सब के लिए एडमिशन बुलेटिन, पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भरा जाएगा, फीस पेमेंट होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा, सभी मास्टर्ड वालों का एक साथ होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, मतलब अच्छा खासा टाइम लगता है। आपको मैं बता दूं कि अगर पिछली बार की बात करें तो जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था उसके लगभग तीन महीने तक रजिस्ट्रेशन चला था, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, आपके पास इनफ टाइम है। तो एमएड एडमिशन के लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एमएड के इच्छुक हैं, अगर एमएड में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखें, ठीक है। तीसरा सवाल आपका ये था कि अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लें बच्चों, तो मे बी जुलाई या अगस्त, ठीक है, जुलाई या अगस्त में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है इसका एंट्रेंस वो फॉर्म का, हाँ, एमएड में एडमिशन के फॉर्म का, जैसे नया कोर्स जब नया सेशन स्टार्ट होता है उसकी बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितना था। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका पिछली बार 1000 रुपये था, 1000 में आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया। और कोर्स फ़ीस कितना होता है एमएड में कोर्स फ़ीस कितना होता है, तो वो हम एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे चल के हम डिटेल्स देखते हैं कि एमएड में फ़ीस कितना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अवध विश्वविद्यालय की हम आइए ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, प्रोग्राम पे हम चलते हैं अवध यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसकी फ़ीस क्या है, और उसमें हम चेक कर लेते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी एमएड में कितना फ़ीस चार्ज करती है। तो आप देख सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अवध यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे उसके प्रोग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पे ड्यूरेशंस, फ़ीस और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, हमें इससे कुछ नहीं करना।
हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि हमारा जो बीएड और एमएड है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो ये हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने एजुकेशन में एमएड, तो एमएड में अगर आप देखेंगे 315 सीटें दिखाई दे रही हैं, ड्यूरेशन 2 साल का, फीस 58,450 रुपये। ये आपको बता दें कि 1 साल का फीस है, ठीक है, 58,450 रुपीज़ ये 1 साल का फीस है, यानी फर्स्ट ईयर का ये फीस होगा। सेकेंडरी की फीस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जब एडमिशन्स बुलेटिन आता है तो उससे मैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिखाई जाती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज़ पर द नॉर्म्स NCT बीएड होना चाहिए, LT विथ मिनिमम इतना 50% फॉर SC ST, तो बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। सो ये हो गई बात इसके प्रोग्राम्स की। अगर हम कॉलेजेस की बात करें बच्चों कि कौन कौन सा कॉलेज है, देख लेते हैं कि इसके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, हालांकि ये पूछा नहीं था उन्होंने, बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम एक काम करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मैंने रिज़ल्ट चेक किया था कि एमएड का जब रिज़ल्ट आया था तो कितने कॉलेजेस के रिज़ल्ट आए थे। तो ये वो कॉलेजेस की लिस्ट है बच्चों जो कि आपके रिज़ल्ट डेटा में दिखा रहा है, मतलब ये लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने इन कॉलेजेस के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले तो कैंपस, उसके बाद नंदिनी नगर PG कॉलेज, नवाबगंज गोंडा, झुंझुनवाला महाविद्यालय, द्वारिकापुरी अयोध्या, बिल्कुल कैंपस के बगल में, ये क्या है, संत भीखदास रामजस महाविद्यालय मोहाली अयोध्या, ये वो कॉलेजेस के नाम है बच्चों, ठीक है। KNIPSS सुल्तानपुर, अच्छा हाँ, KNIPSS सुल्तानपुर ये नाम सुना हुआ लग रहा है किसी बच्चे, हाँ एक बच्चे थे उनके फैमिली मेम्बर्स। संत तुलसीदास PG कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर, RRPG कॉलेज अमेठी सुल्तानपुर, नवयुग PG कॉलेज रतनपुरवरी सुल्तानपुर, आदर्श कन्या ये वाला महाविद्यालय जयपुर, कहाँ पे, अंबेडकर नगर में ये कॉलेज है। इसके अलावा महिला महाविद्यालय गोरखपुर गोसाईगंज अयोध्या, देश दीपक आदर्श ये कहाँ पे है, ये भी अयोध्या में बाराबंकी, अच्छा श्री PL मेमोरियल डिग्री कॉलेज बाराबंकी में भी एक बीएड का कॉलेज है। तो टोटल 13 कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। अच्छा मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे एडमिशन में कुछ सीटें जो दिखाई थी वो 300 या 350 कुछ सीटें दिखाई थी, करेक्ट, तो इससे ज़्यादा शायद एडमिशन होता है, क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों का रैंक 500-600 तक था उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी का अपडेट ना किया गया हो, तो सीटों के बारे में टेंशन मत दीजिए। मतलब एडमिशन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा कर जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो एडमिशन हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमएड जो कि उन्होंने पूछा था। मैं आशा करता हूँ कि मैंने रिप्लाई किया होगा अपनी सोच और समझ से। बाकी अगर किसी और की क्वेरी होती है किसी भी स्टडी से संबंधित तो वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। सो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न पूछने के लिए। बाकी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। सो जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि।